गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सबका, अपने जितने भी हमारे लीडर्स हैं, जितने भी लोग यहां पर आए हुए हैं, सबका मैं वेलकम करती हूं। एंड थैंक यू पंकज सर, जो आपने मुझे ये ऑप्शन दिया यहां पे कि मैं यहां पे खड़ी होकर कुछ बता पाऊं, कुछ लोगों को कुछ चीजें सिखा पाऊं और खुद भी सीखूं। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर, कि जैसे हम फील्ड में जाते हैं और नए प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो उनके क्या क्या किस टाइप के सवाल आ सकते हैं और उन सवालों का हम कैसे जवाब देंगे, उसको मैं ये इस स्लाइड शो के जरिए बताना चाहूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे प्रोस्पेक्ट पूछ रहा है, मैं सोचकर बताऊंगा कुछ टाइम, कुछ दिन का टाइम दे दो। ऐसे कुछ लोग कहते होंगे कि मैं सोच के बताऊंगा, कुछ दिन का टाइम दे दीजिए। तो क्या सोचेंगे आप, पूछेंगे क्या सोचेंगे आप टाइम में, तो जवाब ये होगा यही कि करना है कि नहीं। तो आप उस वक्त क्या बोलेंगे, आंसर देखिए क्या होना चाहिए, कि जब आप सोचोगे तो कुछ सवाल होंगे जिनके जवाब आपके पास नहीं होंगे, आप अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछेंगे, उनकी सलाह अगर होगी फैक्ट्स उनको पता नहीं होंगे। ये कुछ ऐसे ही होता है जैसे सचिन से एक्टिंग की बेस्ट नॉलेज लेना या शाहरुख से क्रिकेट की बेस्ट नॉलेज लेना, जबकि दोनों ही अपनी फील्ड में बेस्ट हैं, पर यह गलत हो जाएगा। और बिजनेस स्टार्ट करके उन्हीं से बात करनी है जो इसकी नॉलेज रखते हैं। कैसा रहे कि बाद में आप और हम उन्हीं लोगों से बात करें और महीने का आप 70,000 से 80,000 कमाने की तैयारी करें, इसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो ये है कि मैं सोच के बताऊंगा, उसके लिए आपको ये कहना है कि आप सोच के कैसे बताएंगे, मतलब क्या करेंगे, अपने दोस्तों से पूछेंगे, रिश्तेदारों से पूछेंगे, तो उनको उसकी नॉलेज, नेटवर्किंग की नॉलेज नहीं होगी, तो क्या वो सही जवाब दे पाएंगे। तो अच्छा तो ये होगा ना कि हम जो इसमें सक्सेसफुल लोग हैं उनसे पूछें या उनसे जानकारी लें। तो ऐसा करेंगे तो हम 70,000 से 80,000 कमाने की तैयारी कर पाएंगे। इस तरह से इसका जवाब देना है। डिसीजन लेने लायक फैक्ट्स जानने के लिए हम आपको एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम में इन्वाइट करता हूँ, यानी कि अगर आप डिसाइड करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, उसमें आप आइए और देखिए कि वहां पर वहां के लीडर्स हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, उनसे जो नॉलेज लेके और आप डिसाइड कर पाएंगे, ऐसे बोलना है। फिर सेमिनार में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है एंड फैक्ट्स जानने के बाद आप डिसीजन ले पाएंगे। सेमिनार में जो भी हम सेमिनार में चलेंगे वहाँ बहुत ही अच्छे लीडर आ रहे हैं और वो बहुत ही फैक्ट्स, अच्छी अच्छी जानकारी, बिजनेस की फैक्ट्स बताएंगे, तो वहां से आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। यह काम बिल्कुल ड्राइविंग सीखने की तरह नहीं है, हमको उन्हें बताना है कि यहाँ पे जाके हम ड्राइविंग नहीं सीखने जा रहे हैं मीटिंग्स अटेंड करने में, बल्कि जो सारी स्किल आपको आनी चाहिए, यह कीर्तन में या सत्संग में बैठने जैसा है। इस कैसे हम लोग कीर्तन या सत्संग में जाकर बैठते हैं और वहां से प्रवचन सुनते हैं तो उनसे हम लोग जानकारी लेते, ये उसी के जैसा है कि हम वहां पर जाके बिजनेस को सीख पाएंगे या समझ पाएंगे। तो चलिए जो काम फ्री में हो रहा है वह तो करवा ले, मीटिंग्स जाना तो फ्री होता है उसको तो करवा ले। बिजनेस के डिसीजन आप बाद में भी ले सकते हैं, डिसीजन डिसाइड करना कि ये हमको बिजनेस करना है कि नहीं करना, ये तो मीटिंग के बाद भी डिसाइड कर सकते हैं। मैं हूँ आपके साथ, चलिए शुरू करते हैं। तो फॉर्म भर लेते हैं, फिर भी अगर बोले प्रोस्पेक्ट कि पति या वाइफ से बात करके बताऊंगा, तब बोलना हमें ये है कि हम उन्हें ये फैक्ट्स और डेमो करके दिखाएंगे ताकि वो भी सही डिसीजन ले लें। यानी हस्बैंड से अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं कि हम वाइफ से पूछेंगे, या किसी वाइफ से बात कर रहे हो तो वो कहती है कि हम हस्बैंड से पूछेंगे, तो उनसे फिर एक और अपॉइंटमेंट लीजिए कि चलिए ठीक है मैं आपके हस्बैंड से या वाइफ से दिखाकर सेम चीज जो आपको बता रहा हूँ या बता रही हूँ उसको मैं उनको भी दिखाती हूँ या दिखाता हूँ, ताकि वो भी इसको अच्छे से समझ जाए, ताकि आप डिसाइड अच्छे से कर पाए। उसके बाद भी मन ना हो तो कोई बात नहीं, ये कहें कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो हम एक अच्छे दोस्त तो रह ही सकते हैं, है ना, ऐसा कह के उनको एक कैटलॉग या डीवीडी दे दें, मीटिंग का टाइम फिक्स कर ले और गले या हाथ मिलकर विदा कर ले। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो उनको एटलीस्ट एक कैटलॉग दे के आए और डीवीडी दे दे ताकि वो सुन पाए बाद में। और अगर इंटरेस्टेड है कि चलिए हाँ हम अपनी वाइफ से बात करके आपका टाइम फिक्स करेंगे, आप आके उनको भी बताइएगा, तो एक टाइम अगला फिक्स कर ले। अब दूसरा
क्वेश्चन जो आ सकता है वो ऐसा आ सकता है कि प्रोस्पेक्ट बोलेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप पूछेंगे क्या 5 साल पहले टाइम था, प्रोस्पेक्ट बोलेगा नहीं। आप बोलेंगे क्या 5 साल बाद टाइम होगा, प्रोस्पेक्ट बोलेगा नहीं। तो जैसा चल रहा है उसमें न टाइम था न होगा, कैसे रहेगा, कैसा रहेगा अगर जब हमारे पास फैमिली के लिए टाइम ही टाइम हो। ये सवाल उनके सवाल का काउंटर क्वेश्चन में आप सवाल पूछेंगे। प्रोस्पेक्ट अच्छा होगा, किन्हीं से भी अगर आप पूछेंगे कि अगर आपके पास 5 साल के बाद अपनी फैमिली के लिए टाइम ही टाइम होगा, तो उनका ऑब्वियसली जवाब होगा कि हाँ अच्छा रहेगा। तो आप बताएंगे अगर टाइम चाहते हैं लेकिन कुछ ऐसा ही था कि जाना चाहते हैं मुंबई लेकिन कोलकाता की ट्रेन में बैठे हैं, क्या कभी आप मुंबई पहुंचेंगे, अगर पैर में कांटा लगा हो तो क्या करोगे। प्रोस्पेक्ट बोलेगा सुई या अल्पिन से निकालना पड़ेगा। आप कहेंगे ग्रेट, लेकिन जब सुपिन या सुई लगाएंगे तो थोड़ा दर्द तो बढ़ जाएगा, लेकिन कांटा निकल जाने के बाद सारी जिंदगी के लिए दर्द दूर हो जाएगा। बस थोड़ा टाइम लगाकर और टाइम का कांटा निकालकर फेंक दे, बाद में सारी जिंदगी टाइम ही टाइम होगा, ऐसे हम उनको उन्हें समझाना है। बड़े बिजनेसमैन और बड़े अधिकारी इस बिजनेस में इसी सिद्धांत पर सफल हुए हैं और आज टाइम फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं। हम आपकी हेल्प करेंगे, उनसे कहिए कि हम आपकी हेल्प करेंगे, आप थोड़ा समय निकालिएगा और हम भी आपके साथ हमें देंगे। आपकी टीम में सैकड़ों लोग होंगे और आपके पास भी टाइम ही टाइम होगा। टाइम मल्टीप्लीकेशन का यहाँ पे बताना होगा उनको कि आपकी टीम में अगर सैकड़ों लोग होंगे और वो भी अगर एक एक घंटा डेली का देंगे तो 100 घंटे डेली आपके लिए काम होगा। तो इस तरह से उन्हें बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब प्रोस्पेक्ट पूछ सकते हैं क्या, दूसरा क्वेश्चन एक ये भी आ सकता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं, कहते हैं प्रोडक्ट आपके बहुत महंगे हैं। तो आप उनको ऐसे एग्जांपल दे करके समझा सकते हैं कि मान लेते हैं आपके पास 2 बोतल है, बोतल ए की कीमत है 100 रुपए और बी की कीमत है 50 रुपए, तो कौन सी महंगी होगी। तो वो बोलेंगे 100 रुपए वाली। तो आप कहेंगे राइट, अब ए पर आप रू अफजा और बी पर पेप्सी लिख देंगे। ये बताते समय हमें पेन और पेपर से उनको जब दिखा रहे होते हैं प्रोस्पेक्ट को तब की बात है। तो आप एक पर ए पर रू अफजा बना दीजिए, लिख दीजिए, और बी पर पेप्सी बना दीजिए। अब आप पूछिए कि अगर 50 गेस्ट को सर्व करना है तो दोनों का क्या कॉस्ट आएगा। रू अफजा में पानी मिलाकर 50 गेस्ट को सर्व कर देंगे तो 100 रुपए का खर्च, लेकिन 50 बोतल पेप्सी की लगेगी उसी काम के लिए और आप पेप्सी नहीं मिला सकते, पेप्सी में पानी नहीं मिला सकते, तो 50 × 10 = 500 का खर्च आएगा। अब क्या महंगा है बताइए। तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा बोतल बी यानी पेप्सी। इसी तरह हमारे प्रोडक्ट्स भी गाढ़े हैं, पानी मिलाकर यूज करने होते हैं, देखने में महंगे लग रहे होते हैं लेकिन यूज करने में मार्केट के प्रोडक्ट से बहुत सस्ते पड़ते हैं। एग्जाम्पल टू, मुझे एक बात बताओ आपके ऑफिस में स्वीपर के लिए साइकिल महंगी है या सस्ती। प्रोस्पेक्ट बोलेगा महंगी है। तो आप बोलेंगे चलो इसे पेपर पे लिखे, साइकिल महंगी है लिख लेंगे। आपके ऑफिस में क्लर्क के लिए क्या मोटरसाइकिल महंगी है या सस्ती। प्रोस्पेक्ट बोलेगा महंगी है। आपके क्लर्क के लिए साइकिल सस्ती है और मोटरसाइकिल महंगी है। आपके ऑफिस के ऑफिसर के लिए साइकिल और मोटरसाइकिल सस्ती है या महंगी। प्रोस्पेक्ट बोलेगा सस्ती। क्या उसी ऑफिसर के लिए कार महंगी है। प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ महंगी है। क्या उस कंपनी के मैनेजर के लिए कार सस्ती है या नहीं। तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा उसके लिए कार मोटरसाइकिल और साइकिल सस्ती है। पर आप क्वेश्चन कीजिए, पर उसी मैनेजर के लिए BMW कार महंगी है। तो वो बोलेगा हाँ महंगी है। तो चलिए इसे भी लिखे, और कंपनी के मालिक के लिए BMW सस्ती है। ये बात हर किसी से कहेंगे तो क्या होगा, क्या कहेंगे। यानी किसी के लिए भी साइकिल भी महंगी है, किसी के लिए BMW भी महंगी है। इसका मतलब कोई भी चीज सस्ती या महंगी नहीं होती, हमारे पास पैसे कम होते हैं और चीज महंगी लगती है, इसीलिए हम अपनी इनकम बढ़ा लेते हैं, चीजें अपने आप सस्ती पड़ जाएंगी। अब यहाँ पर फील, फेल्ट और फाउंड, इसको हमेशा यूज करना है, ये शब्द इस चीज को हमेशा उनसे यूज करना है। उनसे कहना है कि मैं समझ सकता हूँ आपको कैसा फील हो रहा है,
पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, पहले हमको भी ऐसा ही लगता था कि चीजें बहुत महंगी है, मैं नहीं खरीद सकता, लेकिन अब मुझे पता चला, अब मुझे पता चला, फील, फेल्ट और फाउंड, ये तीन चीज हमें FFF ट्रिपल F हमेशा ध्यान में रखना है कि मुझे भी आपके जैसा लगा, मैं समझ सकता हूँ कि आपको कैसा लग रहा होगा, मुझे भी ऐसा लगा, और लेकिन मुझे बाद में ऐसा ही पता चला। फिर क्वेश्चन आ सकता है प्रोस्पेक्ट का कि मैं सेलिंग नहीं कर सकता या प्रोडक्ट बेचने में मैं नहीं कर सकता, प्रोडक्ट बेचने के लिए मैं सेल्समैन नहीं बन सकता। तो आप कहेंगे मैं आपको सेल्समैन लगता हूँ या मैं आपको सेल्समैन लग रही हूँ, प्रोस्पेक्ट कहेगा नहीं, तो आप बताएंगे और अगर मुझे सेल्समैन ही चाहिए होता तो मैं आपके पास नहीं आता, एक्स वाई जेड कंपनी को सेलिंग मॉडल पर बिजनेस करना होता है तो वो सेल्समैन रख लेते हैं, लेकिन बिजनेस मॉडल पर है कि वर्ड माउथ टू माउथ होता है, ये वर्ड ऑफ माउथ से प्रोडक्ट मूव होते हैं, हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम सिर्फ हमेशा की तरह सलाह देते हैं और लोग, हम बेचते नहीं, लोग हमसे खरीदते हैं, हम लोगों को बेचते नहीं है, लोग हमसे खरीदते हैं। अगर मान लेते हैं आपको खांसी हो गई तो ग्लाइकोडिन सिरप लिया और खांसी ठीक हो गई, अब आपके पड़ोसी को खांसी हो गई तो क्या आप कहोगे कि वो क्या ले लो, बताएंगे ही, अगर आपको कोई प्रोडक्ट बाजार की अच्छी लगती है या कुछ आपको हेल्थ में बेनिफिट होता है किसी दवा से तो हम बताते हैं उनको कि हाँ मेरे को आराम हुआ था आप भी ये ले लीजिए। प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा, प्रोस्पेक्ट आगे वाले क्या कहेंगे, हाँ मैं ग्लाइकोडिन कहूंगा कि यूज करें, अगर उनकी खांसी भी ठीक हो गई तो वो भी दूसरों को ऐसे ही सलाह देंगे, यस हाँ देंगे, तो क्या इसमें कोई सेलिंग की, ऐसा बोल के क्या हमने कोई सेलिंग की, तो प्रोस्पेक्ट कहेंगे नहीं, अपने आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट को शेयर किया, हम उनको समझाएंगे कि आपने सिर्फ क्या किया यहाँ पे, एक प्रोडक्ट को शेयर किया जिसको, जिससे आपको आपका बेनिफिट मिला, ये काम हम लोग बचपन से करते चले आ रहे हैं, लेकिन क्या एक भी पैसा आया, नहीं आया। इस बिजनेस में आपको यही काम करना है, प्रोडक्ट यूज करना है, अच्छा लगे तो शेयर करना है, और कम से कम हम लोगों की हेल्प करेंगे पूरी इसमें, और फिर ये भी कहना है कि आप अगर ये चीज करेंगे तो हम आपकी हेल्प करेंगे, इस चीज को करने में मदद करेंगे, मैं आपके साथ हूँ, आइए शुरू करते हैं। एक राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है इस बात पर, इस पॉइंट पर कि हम अपना समय बेचकर सैलरी कमाते हैं, हम अपना समय ही तो देते हैं जब जॉब पे जाते हैं, अपना समय देते हैं, वहां काम करते हैं और सैलरी कमाते हैं, हम इंटरव्यू के वक्त अपने आप को अच्छी सैलरी में बेचने के लिए बड़े बड़े एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज बताते हैं, जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो हम बताते हैं कि मेरे पास ये नॉलेज है, मेरा ये सर्टिफिकेट है, हमको इतने साल का एक्सपीरियंस इस कंपनी में है, तो ये हम क्या कर रहे होते हैं, उससे हम अपने आप को बेच ही रहे होते हैं, हम लोन लेकर या क्रेडिट कार्ड को यूज करके अपना भविष्य तक बेच देते हैं, अपने आप को 60 साल तक बेचने में बहुत अच्छा होगा, से उसने करने से 60 साल तक हम बेचते रहे उससे अच्छा होगा कि हम 1 से 2 साल में अपना नेटवर्क बनाकर समय को हमेशा के लिए, आजादी, समय की आजादी हमेशा के लिए ले ले। तो ये एक राइटर ने लिखा है। फिर यहाँ पे यही बोलिए, फील, फेल्ट एंड फाउंड, मैं समझ सकता हूँ आपको कैसा फील हो रहा है, पहले मुझे भी ऐसा लगता था लेकिन बाद में मुझे पता चला। थर्ड पार्टी अप्रोच यहाँ पे कैसे करेंगे वो मैं बताना चाहती हूँ। प्रोस्पेक्ट कहेंगे मैं मीटिंग में नहीं जा सकता, आप कहेंगे क्या आप ऑफिस में, आपके ऑफिस में मीटिंग होती है क्या, उनमें उसमें एंटरटेनमेंट होता है, आपको बहुत मजा आता है आपके ऑफिस की मीटिंग्स में, प्रोस्पेक्ट बोलेंगे नहीं, तो आप कहेंगे पर अटेंड करते हैं ना, और सारी जिंदगी अटेंड करनी पड़ेगी, यहाँ पर 1 साल तक महीने की 1-2 मीटिंग अटेंड कर लो और साल के बाद 1-2 लाख की इनकम हर महीने आने लगेगी, क्या इस पैसे के लिए मीटिंग में नहीं आ सकते, ये क्वेश्चन पूछेंगे प्रोस्पेक्ट। इसका जवाब क्या देंगे, मैंने पहले भी मीटिंग अटेंड करी है, मैं जानता हूँ आपकी कंपनी के बारे में, आप कहेंगे क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, वो पूछेंगे हाँ, तो आप कहेंगे क्या आप शाहरुख खान को जानते हैं, प्रोस्पेक्ट बोलेंगे हाँ, आप पूछेंगे उसकी कमर का साइज क्या है, उसका पसंदीदा रंग कौन सा है, प्रोस्पेक्ट बोलेगा पता नहीं, फिर आप पूछ सकते हैं आप मनमोहन सिंह को जानते हैं,
प्रोस्पेक्ट बोलेंगे हाँ क्या आप जानते हैं कि मनमोहन सिंह की पसंदीदा डिश क्या है, प्रोस्पेक्ट बोलेंगे पता नहीं। ठीक ऐसे ही अब हम बताएंगे, ठीक ऐसे ही बहुत से लोग कंपनी को जानते हैं लेकिन सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा जानते हैं, उनकी पूरी डिटेल नहीं पता होती, उस कंपनी की पूरी डिटेल नहीं पता होती और सिर्फ मीटिंग करने से पैसा नहीं आता, पैसा कमाने के लिए एक गाइड के अनुसार बिजनेस करना पड़ेगा। हमारी टीम लगातार ग्रो कर रही है, आप 2 से 3 महीने हम पर फेथ कीजिए, हमारी टीम है अच्छी सी, हमारे अपलाइन है जो हमको मदद करते हैं और उनके गाइडेंस में हम अगर मिलजुल कर काम करेंगे तो हम 2-3 महीना काम करके देखिए, अगर आपको बदलाव नहीं नजर आए तो फिर आप कहिएगा, फिर अगर आपको बदलाव ना लगे तो आप मत करिए काम, ऐसे उनको बताएंगे। फिर प्रोस्पेक्ट पूछेगा प्रोडक्ट की क्या गारंटी है, पूछ सकते हैं, ऐसे कई लोगों को आई होगी क्वेश्चन, जैसे आप बता रहे हो वैसे है भी या नहीं, तो ये आप क्वेश्चन उनके क्वेश्चन पर काउंटर क्वेश्चन करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट की क्या गारंटी है, अच्छी है कि नहीं, तो वो प्रोस्पेक्ट खुद बताएंगे यूज करके। तो फिर आप कहेंगे हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, वैसे ही आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो बेनिफिट जरूर मिलेगा, कितना बेनिफिट है ये तो यूज करके ही पता चलेगा, अगर आप 3 से 6 महीने यूज करो अगर कुछ भी अच्छा ना लगे तो आगे यूज मत करना। फिर प्रोस्पेक्ट पूछ सकते हैं मैं तो लोगों से बात नहीं कर सकता और मेंबर नहीं बना सकता हूं, तब आप कहेंगे अभी आप किससे बात कर रहे हो, मैं कोई भूत तो नहीं हूं सर, इंसान हूं, आप ऑफिस में कलीग से बात करते हो, प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ, आप घर में फैमिली से बात करते हो, प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ, मार्केट में दुकानदार से किसी अनजान से कोई रास्ता पूछते हो, बोलेंगे हाँ, ये सब कौन लोग हैं, लोग ही तो हैं, ये सब भी तो लोग ही हैं, बस इसी तरह फ्रेंड्स और लोगों से इस बिजनेस की बात करनी है और वो भी हम ही करेंगे जब तक कि आप सीख नहीं लेते, हम है ना आपकी सपोर्ट के लिए, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर दूसरा ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है, मुझे डिस्काउंट दो, दूसरा 30% दे रहा है। अब आप पूछेंगे डिस्काउंट के लिए मांगेंगे तो क्या कहेंगे, आपको पता है कि पेप्सी 10 रुपए की आती है, प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ। फिर आप पूछेंगे अगर आपको कोई 10 वाली 7 रुपए में दे दे तो आप लोगे, प्रोस्पेक्ट बोलेगा नहीं। आप पूछे क्यों नहीं लेंगे, प्रोस्पेक्ट बोलेगा हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, धोखा या माल नकली हो, तो आप बताएंगे तो जो प्रोडक्ट हमें पड़ता है अगर कोई हमसे कम दे रहा है तो क्या मतलब होगा, क्या आप अपनी और अपने बच्चे की सेहत के साथ खिलवाड़ करना पसंद करेंगे, हम आपका डिस्काउंट कार्ड बनवा देते हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट भी मिलेगा और डिस्काउंट बढ़ता ही जाएगा। कल कोई टीम में बड़ा लीडर निकल गया तो लाखों कमाने और पूरी दुनिया घूमने का भी मौका मिलेगा, यानी कि वो एक छोटी सी डिस्काउंट मांग रहे थे लेकिन हम यहाँ उनको इसमें ज्वाइन करने के बाद, प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद, टीम ग्रो करने के बाद क्या क्या प्रॉफिट है उस डिटेल को बताएंगे कि यहाँ डिस्काउंट क्या, डिस्काउंट का भी डिस्काउंट है। मेरे पास एक और ऑब्जेक्शन आ सकता है कि मेरे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है, तो इसका क्या जवाब, इसका हम ये कहेंगे कि क्या आपकी शादी में, पूछेंगे आपकी शादी में कितने लोग आए थे, प्रोस्पेक्ट बोलेंगे 300 से 400, तो आप पूछेंगे ये सब जानकारी के थे या पेपर में ऐड करके बुलाए थे, वो बोलेंगे नहीं जान पहचान के थे। आपके पास मोबाइल फोन में कितने नंबर है, 250 से 300, प्रोस्पेक्ट बोलेंगे, तो आप कहेंगे क्या ये कॉन्टैक्ट्स नहीं है। और हमारी एक वर्कशॉप होती है जिसमें हम आपको लिस्ट बनाने का आइडिया सिखाएंगे या सीखेंगे। प्रोस्पेक्ट कहेंगे मेरे अंकल पड़ोसी फ्रेंड ने भी किया था लेकिन चला नहीं, छोड़ दिया, इसका क्या जवाब देंगे। तब कहेंगे आपके पास कौन सा फोन, कौन सा वाहन है, वो बताएंगे या कार कहेंगे, बाइक साइकिल है, तो आपने अपने आप चलता है कि चलाना पड़ता है, हम पूछेंगे उनसे कि ये जो भी वाहन है ये अपने आप चलता है कि चलाना पड़ता है, तो प्रोस्पेक्ट कहेंगे नहीं चलाना पड़ता है, तो हम बताएंगे कि ऐसे ही मैरिड लाइफ चलती है कि एडजस्टमेंट करके चलाना पड़ता है, जॉब अपने आप चलती है कि काम करके चलाना पड़ता है, अपने आप कुछ नहीं चलता है,
चलाना पड़ता है। एक ही क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं, एक मेरिट में आता है और दूसरा फेल हो जाता है, और जो फेल हो गया वह कहता है टीचर को पढ़ाने नहीं आता। सवाल आउट ऑफ सिलेबस आए थे, एग्जामिनर ने एक्स्ट्रा शीट नहीं दी, यानी बहुत सारे बहाने बताते हैं जो लोग फेल होते हैं। और मेरिट वाले बच्चे क्या कहते हैं कि स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर बेस्ट है, सारे क्वेश्चन सिलेबस से आए थे, एग्जामिनर भी अच्छा था। तो जो स्टूडेंट फेल हो गया, गलती उसकी थी ना कि टीचर या स्कूल की। एडमिशन लेने से पहले से पास होने की गारंटी नहीं मिलती। कहीं भी हम ज्वाइन कर लेते हैं किसी बिजनेस को तो वहां पे हम सक्सेसफुल होंगे इसकी गारंटी नहीं मिलती। वैसे ही हमारी कंपनी में ज्वाइन करते ही सक्सेस की गारंटी नहीं मिलती, पर हाँ, यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सीनियर्स की गाइडेंस में सीख कर सिस्टम फॉलो करके उस करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। लोगों की शादी होती है, एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते और एक दूसरे को छोड़ देते हैं, तो क्या बाकी लोगों ने शादी करना छोड़ दिया? क्या और बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो क्या बाकी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेना छोड़ दिया? लोग दुनिया छोड़ जाते हैं तो क्या बाकी लोग बच्चे पैदा करने छोड़ देते हैं? ऐसे ही कुछ लोग अगर हमारी कंपनी छोड़ जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? अब वो कहेंगे मेरे अंकल फ्रेंड पड़ोसी फ्रेंड से पूछूंगा, मेरे किसी जानने वाले ने किया था उससे पूछूंगा, तब आपका क्या जवाब होना चाहिए? वेरी गुड, जरूर पूछना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, तीन लोग हैं ए बी सी। ए ने ईंटों का भट्टा लगाया और सक्सेसफुल हो गया। बी ने ईंटों का भट्टा लगाया पर चला नहीं। सी ने लगाया पर वो बी का पड़ोसी है। अब आपको भट्टा लगाकर सफल होना है तो किससे गाइडेंस लेंगे? सही चुनिए गाइड को, सही गाइड को हमें चुनना है। उनको चुनना है कि जो सक्सेसफुल होते हैं उनसे हम बात करेंगे तो हम सक्सेसफुल होंगे। जो लोग फेल होकर के इसके बारे में बोलते हैं उनसे अगर हम सलाह लेंगे तो हम कभी इसको नहीं कर पाएंगे या सही जानकारी हमें नहीं मिलेगी। फिर यहाँ पे हमें बोलना है फील फेल्ट एंड फाउंड। मैं समझ सकता हूँ आपको कैसा लग रहा है, पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था लेकिन बाद में मुझे पता चला। इस तरह से हम उनको बीच बीच में ये जरूर बात बोलते रहेंगे। प्रोस्पेक्ट, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। तब आप कहेंगे आप बताओ कि अगर आप कन्विंस ना होना चाहे तो क्या मैं आपको कन्विंस कर सकता हूँ? प्रोस्पेक्ट बोलेंगे नहीं, हम ऐसे ही लोगों को कन्विंस नहीं करते, बस राइट इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स बताते हैं। जिनको होना होता है वो कन्विंस होते हैं और हम आपके लिए काम करेंगे और आपके लोगों को हम समझाएंगे। ऐसे उनको शुरुआत में, सबको लगता है कि हम लोगों को कैसे बताएंगे, तो हमें ये कहना है कि शुरुआत में हम आपके साथ चल के लोगों को बताएंगे, आप हमसे सीखेंगे और फिर आगे जब सीख लेंगे तो आप अपने आप भी कन्विंस कर पाएंगे, समझा पाएंगे। फील फेल्ट एंड फाउंड यहाँ पर भी। फिर अब एक फैमिली ट्री के बारे में। प्रोस्पेक्ट पूछेगा मुझे MLM या चेन सिस्टम पसंद नहीं है। कुछ लोगों से ये भी काउंटर क्वेश्चन आता है कि ये चेन सिस्टम ये MLM हमको नहीं पसंद है, तो उसका क्या जवाब देंगे? यहाँ पर हम ये बताएंगे कि ये बताओ आपके दादाजी कितने भाई थे? प्रोस्पेक्ट बताएंगे तीन। उन सबके कितने बच्चे हैं? प्रोस्पेक्ट बोलेंगे इतने बच्चे हैं। उन सबके कितने बच्चे हैं यानी आपके कजिन्स, ये सब एक पेपर पे हम लिखते जाएंगे, एक ट्री बनाएंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे। आपके ऑफिस में सबसे बड़ी पोस्ट क्या है? CEO। उनको कौन रिपोर्ट करता है? चार मैनेजर रिपोर्ट करते हैं। और उन चार को कौन रिपोर्ट करता है? GM रिपोर्ट करते हैं। फिर इसी तरह जो पूछ रहे हैं उसे पेपर पर ड्रॉ करते जाइए, लिखते जाइए और कहिए, पूछिए कि क्या ये चेन नहीं है? ये चेन नहीं तो और क्या है? हम जाने अनजाने एक चेन का पार्ट है और आगे भी रहेंगे। हमारे पैदा होने से लेकर मरने तक हम किसी न किसी चेन से जुड़े होते हैं। उनको ये हमें समझाना है कि जब से हम जन्म लेते हैं और मरने तक हम किसी न किसी चेन से जुड़े होते हैं। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, दुनिया तभी चलती है। यहाँ भी ऐसा ही है, या तो हम किसी के नेटवर्क में नौकरी करके थोड़ा पैसा कमाते हैं या फिर ऐसा नेटवर्क बनाकर आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं।
अभी तक का जो नेटवर्क में हम फंसे हुए हैं उसमें हम अपना पैसा स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन ये जिस नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग, इसमें आप कुछ पैसे कमा सकते हैं, ये समझाना है। आज स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टोर्स, टिकट काउंटर्स आदि सब कुछ फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करके हमसे बड़ा पैसा कमा लेते हैं और हम भी फ्रेंचाइजी सिस्टम से अपने परिवार के लिए एक बड़ा पैसा कमा सकते हैं। जैसे वोडाफोन की सिम तो तभी सभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी वोडाफोन का मालिक आप सिम ले लो करके आपको दे आता है क्या? फ्री सिम ले लो कहने, ऐसा कहने पर आपके पास आया था क्या? हुआ ये था कि उसके नेटवर्क का कोई दुकानदार था जिसके जरिए हम सिम कार्ड को लेते हैं। आप मार्केट में प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और एक चेन का ही हिस्सा बनते हैं। मार्केट में हम प्रोडक्ट लेने जाते हैं, चाय पत्ती, साबुन, अगर हम मार्केट का लेते हैं तो जो मार्केटिंग प्लान है वो समझाएंगे कि आप, हम एज ए कंज्यूमर लास्ट में हैं और इसके पीछे इतने सारे, इतने बड़े लोगों की चेन है, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, इन सारे लोगों की चेन है, कंपनी तक ये बड़ा चेन है। तो हम उनको ये बताएंगे कि आप मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हैं और एक चेन का ही हिस्सा बनते हैं, बस फर्क यह है कि वो गरीबी की चेन है, क्योंकि ये जो बाजार से खरीदने वाले प्रोडक्ट्स की चेन में जहां हम हैं वहां पर हम गरीबी होते जाते हैं। अपने मेहनत की कमाई जो अर्न करते हैं उसको खर्च कर करके गरीब बनते जाते हैं, और हम जो कर रहे हैं वो आपको फायदा ही देगा, इसलिए ये अमीरी की चेन है। आप कौन सी चेन का हिस्सा बनना चाहेंगे उनसे पूछ सकते हैं। प्रोस्पेक्ट, अब दूसरा क्वेश्चन, इस कंपनी के जैसी बहुत सारी कंपनी है, मैंने फलानी कंपनी ज्वाइन की थी, तब आप एक पेपर के बीच में एक लाइन खींचकर दोनों के फीचर्स लिखिए, वो जो कंपनी बता रहे हैं और आपकी कंपनी, हमारी जो कंपनी है, इसके बारे में दोनों को कंपेयर करके यहाँ पे बताना होगा कि देखिए हमारी कंपनी में ये फैसिलिटी है, हमारी कंपनी की ये फायदे हैं और उस कंपनी में क्या है। अपनी कंपनी की सफल उपलब्धियों को ज्यादा से ज्यादा जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, हमें कुछ अपना काम करना चाहिए, प्रोस्पेक्ट कुछ कहेगा, तो उस पे हम कहेंगे कि जब हम कोई शॉप या एजेंसी खोलते हैं तो क्या प्रोडक्ट का ब्रांड, लोगो हमारा अपना होता है, या हम तब भी किसी दूसरे के ब्रांड के लिए काम कर रहे होते हैं? तो प्रोडक्ट, प्रोस्पेक्ट कहेगा दूसरे का ही ब्रांड होता है। क्या हम कभी उस ब्रांड के लिए काम करने के बाद अपने बुढ़ापे के लिए या बच्चों के लिए रॉयल्टी इनकम बना पाएंगे? टाइम फ्रीडम यानी बिना टाइम लगाए पैसा आएगा क्या? प्रोस्पेक्ट कहेगा गारंटी नहीं है। फैक्ट्री, शॉप या एजेंसी में हमें लग सकता है कि हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम किसी दूसरे कंपनी या ब्रांड को ग्रो करवाने का काम कर रहे होते हैं, जबकि रिस्क हमारा ही होता है। बिजनेस ग्रो करके हम अपनी जरूरतें और सपने पूरे कर सकते हैं, बिजनेस ऑटो पायलट पर आ जाता है। यानी कि हम उन्हें समझाएंगे कि आप जो अभी तक करते चले आ रहे हैं उसमें आप ग्रो नहीं कर रहे। ESBI का प्लान, जो ESBI का प्लान है उसके जरिए भी हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं, एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हैं, या बिजनेस कर रहे हैं, या इन्वेस्टर्स हैं। तो ये चीजें हमें, इनकी डिफरेंसेस बतानी होगी, रॉबर्ट टी कियोसाकी वाला प्लान, तो उनको यहाँ पे और क्लियर होगा। हम आपकी हेल्प करेंगे, आइए शुरू करते हैं, ऐसा बोलेंगे। नेक्स्ट, फिर बीच में, मुझे भी पहले नहीं पता था, मैं भी नहीं जानता था कि ये इस तरह से मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, मैं किस क्वाड्रेंट में हूँ, लेफ्ट क्वाड्रेंट में हूँ कि राइट क्वाड्रेंट में हूँ, ऐसा समझाएंगे। जो उसका ESBI का प्लान होता है ना, उसका वो दिखाकर चार लाइन बनाकर, चार ब्लॉक्स बना के ESBI चार ब्लॉक्स बनाएंगे और बताएंगे कि हमको भी पहले नहीं मालूम था, हम भी जॉब करते थे और ये जॉब कर करके सोचते थे कि अपने सपने साकार कर लेंगे। यानी फील, मैंने भी ऐसा फील किया, लेकिन फेल्ट, लेकिन मुझे बाद में ऐसा लगा, और आज मुझे ये, जब ये मैं बिजनेस करना हूँ, इस कंपनी को ज्वाइन करके जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग करना शुरू किया, तो मुझे अब समझ में आया कि मैं अपनी बिजनेस, एक्चुअल में अभी अपनी मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो फील, फेल्ट, फाउंड को यहाँ भी अप्लाई करेंगे। प्रोस्पेक्ट पूछ सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इतना अच्छा काम है तो सभी क्यों नहीं कर लेते?
अब इसका जवाब हम देंगे कि आप जिस ईश्वर या देवता या गुरु में विश्वास करते हैं, क्या सभी लोग उनको मानेंगे? या जो फ्रूट या कलर आपको पसंद है, तो क्या वो सब लोग पसंद करते हैं? आप मिठाई की दुकान पर फ्री में मिठाई बांटे, तो क्या सब लोग आपसे मिठाई लेकर खाएंगे? प्रॉस्पेक्ट बोलेगा नहीं। लेकिन कुछ लोग जरूर आपके जैसे होंगे। लॉ ऑफ एवरेज के अनुसार ऐसा ही होता है। इसी तरह कुछ ड्रीमर्स आपको मिल जाएंगे जो आपके साथ में बिजनेस करेंगे। जैसे ताश की गड्डी में कुछ इक्के दहले बादशाह होते हैं, ऐसे ही समाज में कुछ शार्प एम्बिशियस ड्रीमर्स होते हैं। उन तक पहुंचने के बाद आप सफल हो जाते हैं। वही कुछ जोकर भी होते हैं जिनके लाइफ का कोई लक्ष्य नहीं होता और वो आप पर भी अपना असर डाल देते हैं। उनसे दूर रहकर ही आप कुछ बड़े काम कर सकते हैं। इसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। आइए शुरू करें। प्रोस्पेक्ट फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या कंपनी दुकानों पर सामान क्यों नहीं बेचती है? तो आप बताएंगे, क्या दुकानों पर सामान बेचने वाली कंपनी हमें पार्ट टाइम में पैसा कमाने का मौका देती है? तो प्रोस्पेक्ट बोलेंगे नहीं। फिर आप पूछेंगे, डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल में दुकान होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स का पैसा बचाकर कस्टमर को इनकम के रूप में देती है। डायरेक्ट सेलिंग में कस्टमर नकली सामान भी से भी बच सकता है और इनकम भी पाता है। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में हमें नकली सामान भी नहीं मिलता है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्ट कंपनी से होकर हमारे पास सीधा पहुंचता है। बीच में कोई उसमें मिलावट करने की यहाँ पे चांस नहीं है और इनकम भी हमको यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है, इसीलिए दुकानों पर हमारा सामान नहीं बिकता है। मैं अपनी जॉब में सेटिस्फाइड हूँ, जॉब ही मेरा पैशन है। ऐसे लोग कहने वाले भी मिलेंगे कि भाई हम जो कर रहे हैं वहां पे हम मस्त हैं, हमको और कुछ नहीं करना है। इसका क्या जवाब देंगे? क्या जॉब में किसी कारण से 20-30% की सैलरी कम हो जाए तब भी हमारा सेटिस्फेक्शन और पैशन उतना ही रहेगा? अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसको भी आप बता सकते हैं कि कोरोना काल में कितने लोगों की नौकरी चली गई, कितने लोगों का सैलरी कट हो गया, तो क्या ऐसे समय में वो लोग सेटिस्फाइड हैं? या सैलरी उतनी ही रहे और महंगाई 20-30% बढ़ जाए? समय के हिसाब से महंगाई बढ़ते जा रही है। तो वो वाला ग्राफ दिखाएं जिसमें कि 1940-1960 और करते करते 2040 तक हमें 10 लाख अगर नई मंथली आए, तो ये बातें बताएं, क्या तब भी उतना ही सेटिस्फेक्शन और पैशन रहेगा? हम बॉस मालिक के प्रति वफादार हैं, पर वो क्या हमारे लिए लॉयल है या नहीं? क्या ये ठीक है? तो प्रॉस्पेक्ट बोलेगा नहीं। यानी हमारी जरूरतें जो पैसे से जुड़ी हुई है, पैसे से ही फाइनली पूरी होगी, तभी सेटिस्फेक्शन आ सकता है। आप सुबह ऑफिस में घुसे लेकिन किसी काम से वापस आने की जरूरत है, आपने अपने सीनियर से पूछा लेकिन उसने मना कर दिया, क्या आप फिर वापस आ सकते हैं? आप ऑफिस गए, इमरजेंसी आ गई, आपकी वाइफ की तबीयत खराब हो गई, घर से बुलावा आ रहा है घर आइए जल्दी से, और आपका बॉस मना कर दे आप नहीं आ सकते, तो क्या अच्छा लगेगा? बोलेगा नहीं। मन मार कर बैठना पड़ेगा और 60-70 साल तक ऐसा चलता रहता है। आओ हम आपकी हेल्प करेंगे, आप 1-2 साल तक सीख कर काम करके पैसा कमाने के टेंशन से आजाद हो जाएं और समय की आजादी भी होगी। तो आओ आइए शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2-3 सवालों के जवाब देना है। अगर प्रोस्पेक्ट इसके बाद भी सवाल पूछता रहे तो उसके सवाल एक पेपर पर लिखना शुरू कर दें और पूछें कि कुछ और सवाल है। अगर कहे बस यही है तो लास्ट में एक न्यू लाइन ड्रॉ कर दीजिए और उनसे एक क्वेश्चन पूछिए। अब आप अगर आपको इसके लॉजिकल जवाब और सेटिस्फेक्शन मिल जाए तो क्या आप काम शुरू कर देंगे और हमारे साथ मिलकर पैसा कमाएंगे? प्रोस्पेक्ट कहेगा हाँ। तो मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगा ताकि आप 7-8 लाख रुपए साल का कमाने लगे। उसके लिए मुझे अपना कुछ पैसा समय और एनर्जी आपके लिए खर्च करनी होगी। क्या मुझे हक है आपसे कुछ सवाल पूछ सकूं? 7-8 लाख रुपया साल का कमाने के लिए आपको बिजनेस सीखना पड़ेगा, क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? तो प्रोस्पेक्ट कहेगा हाँ मैं तैयार हूँ। तब आप कहेंगे 7-8 लाख रुपए साल का कमाने के लिए क्या आप हमारी हेल्प लेने को तैयार हैं? वो कहेंगे हाँ। फिर आप पूछेंगे
सात से आठ लाख रुपया साल का कमाने के लिए नॉन प्रोडक्टिव टाइम में इसके लिए काम करना पड़ेगा, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? वो कहेंगे हाँ। सात से आठ लाख रुपया साल का कमाने के लिए सफल लोगों की बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी और ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, क्या आप तैयार हैं? प्रोस्पेक्ट कहेंगे हाँ। आप कहेंगे ग्रेट। अब उस व्यक्ति से हाथ मिलाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोले, क्या आप मुझ पर 2 से 3 महीना विश्वास कर सकते हो? प्रोस्पेक्ट बोलेंगे हाँ। तब आप कहेंगे, मैं आपका फ्री में रजिस्ट्रेशन करवा के आपको कुछ पैसे कमाने में हेल्प करके कहीं भाग तो नहीं जाऊंगा? तो फिर इन सारे क्वेश्चंस को अभी डस्टबिन में डाल दो, 2 से 3 महीने मिलकर हम काम करेंगे, फिर भी नहीं चला तो छोड़ देना, हम बस दोस्त रहेंगे, आपके पास से तो कुछ गया ही नहीं। अगर वो अभी भी बिजनेस स्टार्ट करने में रुचि न ले या राजी ना हो तो आप कहें, शायद अभी आपका बिजनेस में रुचि नहीं है, लेकिन आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स तो यूज करना चाहोगे और कुछ प्रोडक्ट्स उन्हें रिटेल कर दें। अगर तब भी ना माने तो उनसे कहें कि आप कुछ लोगों के नंबर दे सकते हैं जिन्हें आपको लगता है कि इस बिजनेस की जरूरत हो। अब आते हैं, ये तो सारे सवाल थे कि जेंट्स अगर बैठे हैं सामने वो कैसे कैसी बातें पूछ सकते हैं। अब आते हैं लेडीज, अगर किन्हीं लेडीज को हम ये बिजनेस दिखाना चाहते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं उनसे, तो उनको कैसे हैंडल करेंगे? तो यहाँ पर भी वही चीजें यूज करनी है, फील फेल्ट फाउंड। मैं समझ सकती हूँ आपको कैसा फील हो रहा है, मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था लेकिन बाद में मुझे पता चला। अब यहाँ पे आते हैं, उनके क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनके क्या ऑब्जेक्शंस होते हैं, देखते हैं, लेते हैं एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, बड़े हो जाएं फिर बिजनेस करूंगी। इसका आंसर हमें देना है, ये तो बहुत अच्छा मौका है कि इन बच्चों के लिए हम कुछ रॉयल्टी इनकम बना दें। आपने देखा होगा कि 3 महीने के छोटे बच्चों को छोड़कर लेडीज 8 से 10 घंटे की जॉब पर जाती हैं और घर के काम भी संभालती हैं। बड़े होकर बच्चे कुछ याद नहीं रहता कि उसकी मम्मी या पापा उसे बचपन में छोड़कर निकली, कितनी देर गई और कितनी दूर गए थे। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है और उसके पैसे से जुड़ी जरूरतें हम पूरी नहीं कर पाते तो वह उसे पूरी जिंदगी याद रखता है। यह बिजनेस हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने बच्चों से और उसके भविष्य से प्यार करते हैं, तो आओ मिलकर बढ़िया पैसा कमाएंगे। आंसर दूसरा ये हम दे सकते हैं, जैसे हम बच्चों को लेकर मार्केट जाते हैं, फ्रेंड्स को मिलने जाते हैं, वैसे ही मीटिंग्स में 2 साल के छोटे बच्चे आ सकते हैं। आप उन्हें पीछे लेकर बैठ सकती हैं ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो, और साथ में आप कुछ बिना आवाज वाले खिलौने, बच्चों का खाना पानी ले जाना चाहिए ताकि बच्चे आपको परेशान ना करें। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके स्कूल जाने के बाद हम इस काम को सीख सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये कंपनी हमें एक बहुत बड़ा अवसर देती है कि हम बच्चों के साथ इस काम को उनके उज्जवल भविष्य के लिए कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मैं रात को मीटिंग में नहीं जा सकती हूँ। लेडीज के लिए मीटिंग्स दिन में ही होती है, हमें ये आंसर देना है। हम अपने दिन के काम को मैनेज करके लेडीज मीटिंग्स में जाती हैं और बिजनेस करके अपने लिए 50,000 रुपए महीना कमाना सीखते हैं, आओ मिलकर बढ़िया पैसा कमाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मीटिंग के टाइम पर काम वाली आती है। हमें अपने पैसा लाइफ में वैसे भी काम वाली का चैलेंज आता है, जैसे अगर हमें अपने पेरेंट्स के पास जाना है या पार्टी में जाना है, शॉपिंग करने जाना है, बच्चों को हॉबी क्लास में ले जाना है आदि, तब हम उससे बोलकर टाइम बदलवा लेते हैं। अगर नहीं तो नई काम वाली रख लेते हैं। क्या इसमें से किसी काम से हमारी इनकम बढ़ी? नहीं बढ़ी। तो क्या आप चाहती हैं कि एक बढ़िया 50 से 60 हजार रुपए की परमानेंट इनकम जो कभी बंद ना हो? तो कहेंगी यस चाहिए। तो कई बार काम वाली को उसी टाइम पर ज्यादा पैसे में काम मिल जाता है तो वो हमारे यहाँ से काम छोड़ जाती है, तो क्या हम अपने सुनहरे भविष्य के सामने काम वाली को रुकावट बना देंगे? नहीं, तो आओ मिलकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैं घर घर नहीं जा सकती। यह काम घर घर जाने का नहीं है, अगर ऐसी जरूरत होती तो कंपनी सेल्समैन रख लेती। हम अच्छी सेहत की इंफॉर्मेशन को अपने जानने वालों को बताते हैं, जैसे आम लाइफ में हम एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं, किटी पार्टीज में जाते हैं, इस बार भी वैसा ही है, लेकिन कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है, इसमें दोनों का ही फायदा है, ऐसे बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं है, नेगेटिव है, तो उसका आंसर हम क्या देंगे?
कैसा रहेगा कि हम ये अच्छी इंफॉर्मेशन और डेमो उन्हें भी दिखाएं, जब वो ये सब कुछ देखेंगे तो वो आपका साथ जरूर देंगे, आओ मिलकर बढ़िया पैसा कमाएंगे। आंसर नंबर टू, अच्छा है आपके हस्बैंड सुबह कितने बजे ऑफिस जाते हैं, सुबह 9 बजे। पूछते हैं अच्छा आपके हस्बैंड कितने बजे ऑफिस जाते हैं, तो कहेंगे सुबह 9 बजे, और रात को घर कितने बजे आते हैं, तो रात के 9 बजे। दिन में उनसे कितनी बार बात हो पाती है, मुश्किल से एक बार। क्या आपको उनका ये काम पसंद है, वो बोलेंगी नहीं, पर पैसे की मजबूरी में घर का खर्चा चलाने के लिए हमें उनका काम पसंद करना पड़ता है। अभी उनको इस बिजनेस के फैक्ट्स पता नहीं है, हम शाम को आकर उनको ये बिजनेस दिखाएंगे और उन्हें ये समझाएंगे कि यह बिजनेस पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि पैसे कमाने की चिंता से मुक्ति के लिए करना है। फिर भी पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, एक एक कप चाय पीकर चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं भी इस काम को टफ समझती थी, आप यहाँ कहेंगे कि मैं भी इस काम को टफ समझती थी, तो मैंने अपने सीनियर की हेल्प ली, कुछ सक्सेसफुल लोगों की सीडी सुनी, बुक्स पढ़ी, तब मैं आसानी से इस बिजनेस को कर सकी। मैं भी आपकी हेल्प करूंगी, हम दोनों मिलकर जरूर कर लेंगे, आओ मिलकर बढ़िया काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मेरी फैमिली के लोग, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, अब इसका क्या जवाब देंगे। जब हम अपने घर में होने वाले बर्थडे पार्टी, पूजा पाठ को इम्पोर्टेंस देते हैं तो लोग भी उसमें उसे उतना ही ज्यादा या कम इम्पोर्टेंस देते हैं, वैसे ही जब हम इस बिजनेस को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, किसी प्रोग्राम में ना जाना, मीटिंग अटेंड ना करना, रिलेटिव्स के चक्कर में सीनियर्स एंड इवेंट्स में, सेमिनार्स और इवेंट्स में नहीं जाना, तो लोग भी हमारे बिजनेस पर फेथ नहीं करते, इसमें हमारा ही नुकसान होता है। अगर हम बिजनेस को प्रायोरिटी नहीं देते तो हमारा कम विश्वास देखकर लोग हमें अपना लीडर स्वीकार नहीं कर पाते, इसमें हमारा ही नुकसान है। इसका सॉल्यूशन यह है कि हम अपनी ट्रेनिंग क्लासेस में रेगुलर जाएं, सफल बने और फिर अपनी सक्सेस दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 8, मैं पहले से जॉब करती हूं, फिर घर के काम और बच्चों से बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, क्या ऑफिस में 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़े तो आप नहीं करोगे? करोगे। क्या वहां एक्स्ट्रा काम के करके पैसे की टेंशन खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। यहाँ जॉब और फैमिली के साथ साथ थोड़ा थोड़ा काम करके खुद का ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाकर हजारों लेडीज जॉब से फ्री हो चुकी हैं और हस्बैंड वाइफ पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं। घर के काम के लिए ड्राइवर्स, कुक्स, माली और सिक्योरिटी ड्राइवर्स भी हैं। क्या यह जॉब से पॉसिबल हो पाएगा? हमें यहाँ नॉन प्रोडक्टिव टाइम लगाना है, ये हमें बताना है कि मैं जॉब करती हूँ और बिल्कुल टाइम नहीं है, तो हमको बताना है कि जो जॉब आप कर रही हैं उसमें आपको टाइम फ्रीडम नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, लेकिन यहाँ से कई सारी लेडीज इसको करके टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम पा चुकी हैं, जो कि ऐसी जिंदगी लाइफ, उनकी लाइफ को दिखाएं कि वो कैसी रॉयल लाइफ जी रही है, उनके गाड़ी की कार बुक दिखाएं, है ना। यहाँ पे हम कई सारे टूल्स यूज कर सकते हैं ये सब दिखाने के लिए। अगर वो भी अभी भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए राजी ना हो तो कहे शायद अभी आपका बिजनेस में रुचि नहीं है, लेकिन आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स तो यूज कर सकती हैं, तो कुछ रिटेल करने की कोशिश करें। अगर तब भी ना माने तो उनसे कहें कि आप कुछ लोगों के किन नंबर दे सकते हैं तो दे दीजिए, उनसे लिस्ट निकालने की कोशिश करना चाहिए। लास्टली अगर कोई कुछ अगर प्रोडक्ट भी नहीं लेना चाहते हैं तो उनसे हम लिस्ट तो निकाल ही सकते हैं कि भाई आप नहीं करना चाहती, लेकिन आपकी नजर में कोई ऐसा हो जो कि ये इस तरह का बिजनेस करना चाहे, तो कई सारे लोग ऐसे देते हैं नंबर्स। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि वो खुद नहीं करना चाहते लेकिन कुछ लोगों के जरूर नंबर्स दे देते कि हाँ आप इनके पास जाइए, ये इस तरह का काम करता है, उनके पास जाइए, तो ये लिस्ट निकल पा सकते हैं हम उनसे। तो थैंक यू, विश यू वेल्थ। मैं यहाँ पर अपना स्क्रीन शेयरिंग बंद करती हूँ। थैंक्स अ लॉट पंकज सर।